Hey guys and welcome to another vlog. आपको सामने ट्रक देख के समझ आ रहा हो और टाइटल देख के समझ गए हो कि यार गाड़ी पे हमारे यहाँ पे लग गई है, काफी डैमेज हो चुका है। और ये मेरे को सूरज भैया ने सुबह सुबह जैसे ही आए काम पे उन्होंने बताया। लेकिन ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है गाइस, और यहाँ पे ईंटें उतरनी थी। खाली ईंटें उतरने के चक्कर में यहाँ के जो ड्राइवर था उसने गाड़ी यहाँ से पूरी रगड़ दी है। पूरी सीधी लगी हुई थी, एकदम नॉर्मल लगी हुई थी। इनफैक्ट ये बहुत फ्रेश है, अभी पील ऑफ भी हो रहा है, इतना ज़्यादा वो है ये। और यहाँ पे पूरा ये रगड़ चुका है, सारा डैमेज हो चुका है। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। पूरी गाड़ी स्क्रैचलेस थी, अभी तक कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं था। बस वही यार हो गया ये, अभी इसको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले स्कॉडा जाएंगे, स्कॉडा जाके इसकी सर्विस करवाएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। एंड अभी सीधा निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ वैसे ही, एंड ज़्यादा टाइम नहीं है अभी ब्लॉग करने को। तो गाइस फाइनली अब मैं इंजन ऑयल लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी कोई ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं है। हम इस गाड़ी के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा और हीटिंग इश्यूज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लॉरास की टेंडेंसी है इट टेंड्स टू हीट अप, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें लेना है एक प्रीमियम क्वालिटी ऑफ इंजन ऑयल। सिंथेटिक ऑयल तो सभी ले लेते हैं, बट एक हमें स्पेसिफिक इंजन ऑयल चाहिए, कैस्ट्रॉल एच 5W40, क्योंकि ये जो इंजन ऑयल है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड हमने लगातार, रोहित ने 50 जगह पे कॉल किया, लिटरली सुबह से वो लगातार कॉल कर रहे हैं, इधर उधर पता कर रहे हैं इंजन ऑयल मिल जाए, ये कहीं नहीं मिल रहा। फाइनली एक दुकान पे मिला हमें, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, सेक्टर 5 में नोएडा में। आपको दिखाऊंगा कितने का पड़ा हमें, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट इंजन ऑयल है। एंड ये इंजन ऑयल दोनों गाड़ियों में डलने वाला है, रोहित की गाड़ी में भी मेरी गाड़ी में भी। लेके अभी लेने चलता हूँ, 12 लीटर के लिए मैंने बोला है, 4.5 लीटर मेरी गाड़ी में डलेगा, 5.5 लीटर या 6 लीटर शायद रोहित की गाड़ी में डलेगा। बाकी जो 2 लीटर बचेगा वो हम रख लेंगे अपने पास, क्योंकि हम बाद में भी यूज़ कर लेंगे टॉपअप के लिए। कोई और कंपनी का मिक्स करने से अच्छा है एक ही कंपनी को हम यूज़ कर लें, मिक्स कर लें उसको। एंड सीधा वहीं चलता हूँ अब। जो देखो फाइनली ये बंदा गाड़ी देख रहा है, बहुत गंदा लग रहा है ना भाई, पूरी उसने यहाँ से अंदर दबा दिया, ये पूरा ये कर दिया, ये देखना यार पूरे पुट्टी हुई यार, ये तो फेंडर ही टूट गया, नहीं पेंट टूट गया, पेंट टूट गया, रहने दे मत, पेंट में क्रैक आ गया। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यार यहाँ से पूरा ये स्टार्टिंग से फेंडर तो इसको बड़ा है। जब इसको करवाया ना तो बम्पर और ये दोनों चीज पेंट करवाई एक साथ ना। हाँ पापा ने भी यही बोला कि दोनों एक साथ करा ले, सिमेट्री आ जाएगी थोड़ी। और गाइस इंजन ऑयल मैं लेने गया था, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, पर मैं आपको दिखा देता हूँ इंजन ऑयल हमारा आ चुका है। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, बड़ी देर से ढूंढ ढूंढ के मिला है ये देखो, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता रहे, हमारी गाड़ी तेज क्यों चलती है। ये देखो भाई कैस्ट्रॉल एच 5W40 जैसे मैंने बताया था, ये 3.5 लीटर का डब्बा है, ये 4 लीटर का डब्बा है, ये 3.5 लीटर का डब्बा है, और 1 लीटर हमें अलग से मिला है। इसकी 21 है, बाकी सबकी 22 है, तो इसको ना तेरे में कितना डलता है, 5.7 इसके में, 5.7 है मेरे में, 4.7 है, तो हिसाब लगा लो आप, बचा हमारे पास शायद 1.5-2 लीटर के आसपास, वो रखना पड़ता है, हाँ वो रखना पड़ेगा, बाद में देखते हैं कभी टॉपअप के लिए जरूरत पड़ी तो 2-4-6 महीने में पड़ी जाएगी, 2-4 बारी अगर गाड़ी पुल करेगी तभी जरूरत पड़ जाएगी। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, इंजन ऑयल लेके सारा, 1 लीटर वाला अलग से छोड़ दिया। अब इसको सोच रहा हूँ इसको स्लैबे में डाल दूंगा, स्लैबे के लिए तो यही बहुत ज्यादा है कंट्रोल। तो ये खड़ी हमारी VRS, इसके अंदर अभी जा रहा है सारा इंजन ऑयल। एंड इसके बाद लंच टाइम हो रहा है फिलहाल, स्कॉडा में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एज यूजुअल 1:40 हो रहा है, चला 20 मिनट बचेंगे, खाने के लिए चलते हैं कहीं और फिर देखते हैं क्या सीन है पूरा। ये देखो टिपिकल स्कॉडा, ये आ रही है अपने ट्रांसमिशन के काम के लिए, क्योंकि सिंगल लाइट वाली है, स्प्लिट लाइट वाली नहीं, स्प्लिट लाइट वाली होती तो फिर शायद अपने आप चल के आ पाती है गाड़ी। सो गाइस ये रहा हमारा इंजन ऑयल, एंड अब ये यूटिलाइज होगा फाइनली, जो कि ये जाने वाला है हमारी VRS के अंदर। यहाँ पे हमने सीधा सारा सब लगा दिया सामान, उसके बाद इंजन ऑयल जो अभी पुराना वाला वो ड्रेन होगा सारा निकलेगा, एंड नया वाला डलेगा उसके बाद। अभी गाड़ी चढ़ा रहे थे हम इसको लिफ्ट के ऊपर, पर ये लिफ्ट के ऊपर चढ़ नहीं, तो इसको दोबारा से वही फेंडर उठा के करना पड़ रहा है। इस तरफ तो भी उठा दिया गाड़ी, अब देखते हैं यहाँ पे उठा के हो के ऐसे ही होगा। Thank you.
अभी इंजन ऑयल और लिटरली इतनी अच्छी लगती है ना, लोअर्ड गाड़ी इतनी सुंदर लगती है और यही चीज है भाई लोअर कराने का फायदा। सो गाइस हमारा इंजन ऑयल का डब्बा ये रहा, इसके अंदर आपको दिखाया तो कितना बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये भी देखो 1 लीटर से थोड़ा कम, 0.5 लीटर बचा, ये बचा है पूरा 1 लीटर, ये हमारा यूज नहीं हुआ अभी, पर ये बाद में यूज हो जाएगा क्योंकि लॉरस की टेंडेंसी है कि ये इंजन ऑयल खत्म कर देती है गाड़ी। तो अभी इसका सारा काम हो गया, वो वाली गाड़ी बाहर निकल रही है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, हर बार काफी अच्छा होता है। टाइम मैंने आपको बताया 1:40 हो रहे थे, अभी हो रहे हैं 4:40। 3 घंटे के अंदर 2 गाड़ी की सर्विस हो गई, 2 गाड़ी का सारा काम हो गया। भाई स्कोडा काफी अच्छा काम करती है, लोग बिन बात के बदनाम करते हैं। दोनों की हमारी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी आई है, 10 से 15 हज़ार के बीच में ईच कार की हो गई, जो कि हमें लगा नहीं था कि होगी क्योंकि हमारा इंजन ऑयल भी बाहर का है, इंजन ऑयल भी एक्सपेंसिव है, बट ये सब कुछ हो गया एंड स्कोडा लिटरली सर्विस कॉस्ट कम करे जा रही है। ईच टाइम हम सर्विस करवाते हैं, पिछली बारी मैंने फर्स्ट ईयर सर्विस मतलब बाइंग सर्विस जो करवाई थी, गाड़ी लेती करवाई थी, तब मेरी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट थी 12,500 रुपीज़ एंड इस बारी उससे थोड़ी कम आई है, 11,000 के आसपास आई है। रोहित की गाड़ी की भी 14,000 के अराउंड आई है। हम इंजन ऑयल वही बाहर से लेके आ गए, वो कॉस्ट हमारी बच गई, प्लस हमारा इंजन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डल गया, पर दोनों गाड़ियाँ ले आते हैं एंड एक बार रोहित का भी एक्सपीरियंस पूछ लेता हूँ मैं। वैसे देखो प्रॉब्लम्स ऑफ अ लोअर्ड कार को कितनी टेढ़ी करके निकालनी पड़ रही है, गाड़ी पूरे लिटरली पैरेलल करके निकाल रहा है गाड़ी एंड हमें भी एक एक टायर करके ही निकालनी पड़ेगी वरना हमारी गाड़ी लग जाएगी आराम से। हमारी गाड़ी में भाई ये वाला ब्रेकर बहुत बड़ा है, इस ब्रेकर पे लिटरली मेरी गाड़ी अभी स्क्रेप हुई थी जो हमने निकाली थी पिछली बारी, देखते हैं अब एक एक टायर करके निकल रहा है। अरे यार लग गई, फिर लग गई, हल्की सी टच हुई है लेकिन भाई यार बहुत बुरा लगता है अगर ऐसे स्क्रेप हो जाए तो। एंड ओवरऑल सर्विस काफ़ी अच्छी थी हमारी, काफ़ी अच्छे से काम हो गया, स्कोडा पे हमेशा काम अच्छे से ही होता है, VW पे भी हमेशा काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जो मैं बता रहा था आपको आवाज़ के बारे में कि मेरी गाड़ी के कुछ बता रहा था, इनफैक्ट मैंने बताया नहीं था, जो प्रॉब्लम हो रही थी मैंने बताया था लोअरिंग स्प्रिंग से, वो यही है, आपको शायद कच कच करके आवाज़ आ रही होगी तो उसके लेफ्ट साइड की लोअरिंग स्प्रिंग में आवाज़ आ रही है एंड वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से शायद हमें चेंज करने पड़ेंगे। सेटअप नहीं चेंज करेंगे पर इसकी जगह कोई और लोअरिंग स्प्रिंग मंगवा लेंगे, आईबाक की मंगवा लेंगे रिप्लेस करवा के। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं इन दोनों गाड़ियों के अच्छे से सुंदर से नोट पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, do like this video, don't go to a thumbs up. I'll see you next time in some video. Bye.